जी ऑन कर रहे हैं। वेलेंस बांड थ्योरी बेटे, वेलेंस बांड थ्योरी। तो वेलेंस बांड थ्योरी को भी बेटे हम सीखने की कोशिश करेंगे, लर्न करेंगे, रट्टे वाली बातें हम कम से कम इसमें करेंगे बेटे। देखते हैं क्या क्या बातें उसके अंदर बेटे आ जाएंगी, तो गौर करते जाएंगे, सब कुछ इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, किसने पेश किया बेटे, बाय हिटलर एंड लंदन। ये साइंटिस्ट हैं बेटे एंड लंदन, इन्होंने इसे पेश किया। और इसको बेटे डेवलप किसने किया, डेवलप्ड बाय, और इसे बेटे डेवलप किया बाय लाइनस पॉलिंग। पॉलिंग ने इसे बेटे इसको फिर डेवलप किया और बेटे उसको मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई किया। तो थ्योरी का नाम है VBT के नाम से पॉपुलर है, VBT एग्जाम में ऐसे आती है, लेकिन वैसे इसका पूरा नाम बेटे वेलेंस बांड थ्योरी। बेसिक अजम्पशन क्या है, बुनियादी बात बेटे क्या है, बेसिक अजम्पशन, बुनियादी मफरूजा, फर्जी बात। ज़्यादा थ्योरी तो सारी की सारी ऐसे ही होती है बेटे। देखते हैं इसमें हम क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। द ओवरलैपिंग ऑफ, मिक्स हो जाना, ओवरलैप कर जाना, मिल जाना, ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, आधे भरे हुए हाफ फील्ड को कहते हैं, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर्म बना लेते हैं कोवलेंट बांड, उससे कोवलेंट बांड बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोवलेंट बांड बनने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करना ज़रूरी है, और बेटे ओवरलैप उन्होंने करना है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक एक होगा। हालांकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, लेकिन एक होगा उसे हाफ फील्ड कह लो, उसे पार्शली फील्ड कह लो। ये थ्योरी कहती है कि पार्शली फील्ड के अलावा कोवलेंट बांड बना ही नहीं कोई भी ऑर्बिटल सकता। अब देखते हैं बेटे इसके इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट्स कौन कौन से हैं बेटे। इसके इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट्स बेटे हम सीखने लगे हैं और गौर करेंगे भी कौन कौन से इसके पास्टुलेट्स हैं, फिर बेटे हम उनको डिस्कस करेंगे, अप्लाई करेंगे टू ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स। पास्टुलेट्स, इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट्स की बेटे हम बातें करने लगे हैं। पहला पॉइंट बेटे, पहली बात देखते हैं बेटे, पहली बात हम क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ओनली पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, सिर्फ बेटे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, एटम्स के फॉर्म कोवलेंट बांड। सिर्फ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ने कोवलेंट बांड्स बनाने हैं, अगर कंप्लीटली फिल्ड हैं उसने बांड कोई नहीं बनाना बेटे। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटे, द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ओवरलैप कर जाना, ऑफ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स
ऑफ पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल्स, पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, एटम्स का बेटे ऑफ एटम्स रिजल्ट कोवलेंट बॉन्ड, उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बन जाया करता है। जब पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एटम्स के, वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। नंबर थ्री, तीसरी बात बेटे, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाई, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाई एन एटम, एक एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इज इक्वल टू द, वो बेटे बराबर होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल्स, वो बेटे उसके पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल्स के बराबर होते हैं, पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल के बराबर होते हैं। इसका मतलब है अगर किसी एटम के अंदर एलिमेंट के थ्री पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल होंगे, वो कितने बॉन्ड बनाएगा फिर? वो तो थ्री बनाएगा। और अगर किसी में कोई भी ना हो, फिर कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब हीलियम वन एस टू है, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट है, पूरा ऑर्बिटल भरा, उसने तो बॉन्ड ही नहीं बनाना फिर कोई भी। आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट, द ये जो बेटे ओवरलैपिंग होनी है ना ऑर्बिटल की, द ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड, जो ऑर्बिटल बनता है बेटे, ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स ओबे फॉलो करता है, ओबे करता है, किस लॉ को ओबे करता है? ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है बेटे? एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन उलट होती है, ठीक है बेटे? इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन उल्टी होगी, उनकी स्पिन उल्टी हो जाएगी, इसको कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, उसको हम एरो से जाहिर करते हैं, अभी बनाएंगे भी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो ताकत होगी बेटे कोवलेंट बॉन्ड की, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ताकत जो होगी, किसकी ताकत की बात कर रहे हैं बेटे? ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की जो ताकत होगी डिपेंड ऑन, उसका ताल्लुक होता है डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिकदार, एक्सटेंट मिकदार ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की मिकदार के ऊपर उसका ताल्लुक होगा, ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की मिकदार से उसका बेटे ताल्लुक होगा। कैसे मिकदार होगी ज़रा गौर करें बेटे, अगर टू ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप किए हैं इतना, ये ताकतवर बॉन्ड होगा, फिर अगर दूसरा ओवरलैप कर रहा है वो इतना कर रहा है तो ये ज़रा कमज़ोर होगा, और अगर बेटे ऑर्बिटल जो हैं उन्होंने ओवरलैप करते हुए ना होने के बराबर ओवरलैप किया फिर बॉन्ड तो और कमज़ोर होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई है ना, देखो बेटे ओवरलैपिंग ज़्यादा है और इसकी ओवरलैपिंग कम है, इसकी ओवरलैपिंग ना होने के बराबर है, न्यूक्लियस तो है चलो ठीक है यहाँ पे, लेकिन बेटे ओवरलैपिंग ने डिसाइड करना है ना, ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड ताकतवर, ओवरलैपिंग कम तो बॉन्ड कैसा? कमज़ोर, सिंपल सी बात है।
ये हमारे पास बेटे इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स आ गए। तो पहला पॉइंट बेटे क्या था, पार्शियली फिल्ड मिलके बांड बना सकते हैं। और बेटे पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल जब एटम्स के ऑफ एटम्स क्या करते हैं, कोवलेंट बांड बनाते हैं, कोवलेंट बांड। और बेटे बताओ कितने बांड बनाने हैं, जितने पार्शियली फिल्ड हैं। ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग के बाद बनेगा उनमें स्पिन कैसी होगी, उल्टी अपोजिट स्पिन होगी। और बेटे नेक्स्ट बताएं स्ट्रेंथ का ताल्लुक इस पर होगा ओवरलैपिंग। देखो बेटे ये स्ट्रेंथ हमारे पास है, ये ऐसे मैं ऐसे कर दूं गिर जाएगा, अब बताएं अब गिर जाएगा, ये गिरा ही नहीं। ओवरलैपिंग अगर परफेक्ट कर दोगे बांड ताकतवर हो जाएगा, फिर तो नहीं बांड जल्दी से टूटेगा, ये जवाब हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं बेटे इस पर अप्लाई करने लगे। पहली बात इसमें मैं एक तस्वीर सी बना रहा हूँ, वो तस्वीर आपको बिल्कुल वाजे कर देगी हर बात बेटे, तवज्जो करिए। ये मेरे पास बेटे इसके साथ मैं बना रहा हूँ, तवज्जो करना बेटे, ये एक ऑर्बिटल है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक और ऑर्बिटल है उसके अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों ने एक दूसरे से ओवरलैप किया तो जो ओवरलैपिंग के बाद बेटे ऑर्बिटल बना उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे भी उल्टे, होंगे भी अपोजिट, ये उल्टे हो गए बेटे, ये नज़र आ रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन उलट हो गई तो उसने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मान लिया। क्लियर हो गई बेटे बात, ये है तरीकाकार। आगे चलते हैं बेटे, अब हम बात कर रहे हैं बेटे एप्लीकेशंस की। पहली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑन मॉलिक्यूल्स, और मैं एक ही तरतीब बनाऊंगा, उस तरतीब पे चलते हुए थ्री और फोर मॉलिक्यूल बेटे एप्लीकेशंस ऑफ VBT उसको हम बेटे अभी डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं किस तरह से ये एप्लीकेशंस की बात हमारे पास हो रही है। पहली बात बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर वन बेटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल हमने ले लिया बेटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पूरा ध्यान आपने करना है, एक अगर आ गया बेटे सारे ही आ गए, हमने कोई इसमें ऊपर नीचे चीज़ें गड़बड़ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, हमने तो सिंपल करनी है बेटे, सादा करनी है फॉर टू मार्क्स। हमने टू के बदले फोर नहीं लेने, तो फोर वाले को टू में कन्वर्ट नहीं करना, हमने वही ओरिजिनल वैल्यू रखनी है, जितने नंबर वैसी सूरत हाल। देखते हैं बेटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा है, गौर करिएगा बेटे, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है इज रिप्रेजेंटेड एज H2 टू, दो हाइड्रोजन एटम्स, टू हाइड्रोजन एटम्स आर इन्वॉल्व्ड। सिंपल बेटे वर्डिंग बनानी होती, कोशिश करें फिर बर्डन कम हो जाएगा। दो बेटे कौन है, टू एच एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, किस में होते हैं बेटे, इन द फॉर्मेशन ऑफ, बनने में, किसके बनने में, फॉर्मेशन ऑफ बेटे, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। बेटे जैसा H2 में नजर आया हमने उतने एटम गिन लिए, कह दिए इतने हैं, इसमें कोई कमाल नहीं हमने किया। अब देखते हैं बेटे द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और बेटे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज शोन बिलो, ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स की क्या है बेटे, उसे हमने इज शोन बिलो, वो नीचे लिखने लगे हैं, बताते हैं किस तरह से इनकी कन्फिगरेशन लिखी जाती है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन, गौर करो बेटे, 1s1 एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन 1s1 एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। अब बताओ बेटे एक हाइड्रोजन के पास एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, बांड कितने बनाएगा जी, कितने बांड बनाएगा, 1 बनाएगा। लिखने लगाऊं बेटे, इट इज क्लियर, ये वाजे हो गया, वाजे हो गया बेटे, क्या वाजे हो गया, दैट हाइड्रोजन हैज, हाइड्रोजन एच हैज 1 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल।
इसका एक पार्शियली फेल्ड ऑर्बिटल है, पार्शियली फेल्ड ऑर्बिटल है, सो इट फॉर्म, इसलिए ये बनाएगा, सो इट फॉर्म्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इट फॉर्म्स सिंगल, एक सिंगल बेटे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ऐसे लाइन लगानी है, ये सिग्मा का निशान बन गया, इसको हमने सिग्मा बॉन्ड लिख दी। एक है, अगर किसी में टू होते टू बनाता, थ्री होते थ्री बनाता, तो फिर हमने कहा एक ही बनाएगा, एक बनाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बन जाना कैन बी शोन एज, उसे इस तरह से बेटे हम शो कर सकते हैं। बताओ बेटे कितने ऑर्बिटल हैं? दो बेटे ऑर्बिटल, तो दो ही टोटल बनेंगे ना। वन एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ये है किसका, हाइड्रोजन का, एक हो गया। प्लस बेटे ये सेकंड वन हो गया, दूसरा हो गया, वन एस है और एक एच है, इनके इलेक्ट्रॉन शो करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कहाँ है। तो बेटे ये हमारे पास एक इसका ऑर्बिटल आ गया, ये दूसरा ऑर्बिटल आ गया, अब शक नुक्ते लगा दो और बेटे लिखो नीचे, वन एस ने वन एस से ओवरलैप किया, एक एच ने दूसरे से सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक ने दूसरे से सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब मुझे बताएं इस बॉन्ड में कितने, जो बॉन्ड बने एच टू में वो कितने बने, लिख रहा हूँ बेटे। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंट, मौजूद है, कौन मौजूद है बेटे, देयर इज प्रेजेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, पहले भी लिखा है हमने लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा सा और बता रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसका नाम क्या रखा था बेटे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का नाम क्या रखा था बेटे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, देयर इज प्रेजेंट सिंगल सिग्मा बॉन्ड जिसको कह रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन एच टू मॉलिक्यूल, एच टू मॉलिक्यूल में, द एच टू मॉलिक्यूल कैन बी शोन एज, एच टू मॉलिक्यूल जो है कैन बी शोन एज, उसे इस तरह शो, बेटे सिंपलेस्ट हमने बेटे बताया, और देखते हैं बेटे शोन एज, ये हमने मार्कर से एग्जामिनर को बताना होता है ताकि एग्जामिनर सारी तवज्जो इधर करे, एच बॉन्ड एच, और नीचे क्या लिखा बेटे, वन सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, लो जी हमने मॉलिक्यूल बना दिया, बिल्कुल सिंपल वे से, कोई मुश्किल नहीं डाला हमने काम, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेटे बन गए। अब हम चाहते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना, अब देखते हैं फ्लोरीन कैसे बनेगा, सिंपल वे से ये काम हम करने लगे हैं बेटे। ये टू नंबर हमने ले लिया बेटे, किस मॉलिक्यूल को ले लिया, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं बेटे, हैलोजन होती है फ्लोरीन, और बेटे ये कौन सी होती है फ्लोरीन, एफ टू को कहते हैं बेटे, एफ टू को, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कौन है बेटे, एफ टू, लिख रहा हूँ बेटे तवज्जो करिए, इधर देखना क्या कुछ लिखा हुआ है बेटे, इधर देखना क्या लिखा, वही हमने फिर लिखना है, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जगह आ गया बेटे द फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ध्यान करना बेटे आपने, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल है बेटे उसको कैसे जाहिर करना चाहिए, एज रिप्रेजेंटेड एज, उसे बेटे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एफ टू, एफ टू से, ज़रा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल तो एफ टू ही होगा, क्लोरीन का सी एल टू होगा, बरोमीन का बी आर टू होगा, आयोडीन का आई टू होगा, ये तो कम बहुत सारी लंबी क्लास हमारे पास आ गई। अब देखते हैं बेटे टू, दो बेटे टू एफ एटम्स, एफ के एटम्स आर इन्वॉल्व, टू एफ एटम्स आर इन्वॉल्व, टू एफ एटम इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एफ टू मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एफ टू मॉलिक्यूल, एफ टू मॉलिक्यूल बनने में टू एफ एटम इन्वॉल्व होते हैं,
अब बेटे नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाह रहे हैं। लिख रहा हूं बेटे, द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर भी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और बेटे इलेक्ट्रॉनों वाली तरतीब, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एफ एटम्स, एफ वाले एटम्स की बेटे इज शोन बिलो, एफ एटम्स को हम बेटे शो करने लगे हैं। दो बेटे एफ एटम्स हैं, पहला एफ कौन है, नाइन वाला, उसकी कन्फिगरेशन बनी 1s2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 2s में 2 आ गए, 2p के तीन टुकड़े होते हैं, ऑर्बिटल 3 होते हैं, 2p सब शेल के बेटे, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन 1 1 1 7 हो गए, अब 8 हो गया, 9 हो गया, एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हमने शो कर दिए। ये आप वाई में भी एक रख सकते थे, बाकियों में दो दो रख देते, जेड में एक रख देते, कुछ मसला नहीं, क्योंकि ये डी जनरेटेड हैं, ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, शेप एक जैसी है, डंबल हैं सारे, तो इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी रखें। दूसरा फ्लोरीन भी लिखना पड़ेगा बेटे, दूसरा फ्लोरीन भी 9 ही होगा यकीनन, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2px1 हो, 2py, 2pz, इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक, अब 7 हो गए, अब 8 हो गया, अब 9 हो गया, इसमें भी एक ही बेटे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब बताओ बेटे क्या ये क्लियर है कि फ्लोरीन के पास एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, कितने बांड बनाएगा, और जो बनना है फ्लोरीन मॉलिक्यूल हम बना ही लेंगे, जाहिर है सिंपल सा तो काम हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इट इज़ क्लियर, ये वाजे हो गया, क्या वाजे हो गया बेटे, इट इज़ क्लियर, ये वाजे है दैट फ्लोरीन हैज, जो फ्लोरीन है बेटे हैज वन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, इसके अंदर एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद है, ऐसे बेटे। सो इट फॉर्म्स, इसलिए ये बनाएगा कितने बेटे, इट फॉर्म्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, जिसका नाम अभी बेटे हमने सिग्मा बॉन्ड भी रखा था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बना लेना है। अगर 2 बेटे पार्शली फिल्ड होते फिर 2 बनाता, अगर 3 होते 3 बनाता, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 3, फिर 3 बनाएगा, अभी बना के देख लेंगे। ये बन गया बेटे द फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखना था बेटे, द फॉर्मेशन ऑफ, बन जाना किसका, बन जाना बेटे ऑफ F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैन बी शोन एज, उसे इस तरह से जाहिर किया जा सकता है। बेटे ये मुझे बताओ, जो PX होता है डंबल शेप्ड होता है, गोल नहीं होता वो बेटे, डंबल होता है, बना रहा हूं तवज्जो करें। ये बेटे मेरे पास एक फ्लोरीन है, ये PX है, फ्लोरीन का F है बेटे, एक और फ्लोरीन होगा हमारे पास, एक और फ्लोरीन, ये देखो बेटे ये वाला भी हमारे पास फ्लोरीन है, ये भी PX ऑफ F है बेटे, PX PX, अगर दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएं, अगर दोनों एक दूसरे से बेटे ओवरलैप कर जाएं, एक तो ओवरलैपिंग इसकी बड़ी अच्छी होती है बेटे, ओवरलैपिंग बहुत अच्छी इसकी हो रही होती है, और आपको पता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाए तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये PX PX से ओवरलैप कर गया, और बेटे फ्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन इसने बना लिया, ये फ्लोरीन के एटम थे, अब फ्लोरीन गैस मॉलिक्यूल हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटे, इसका मतलब है कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंट सिंगल, वो इस सेंटेंस में लिख रहा हूँ, देयर इज प्रेजेंट सिंगल, एक बेटे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बेटे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का और कोई नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, टेढ़ा सा 6 लिख दिया देखो मैंने, सिग्मा बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल में बेटे, यार लास्ट कंक्लूड हम क्या कर रहे हैं, द फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है कैन बी शोन एज,
फ्लोरीन मॉलिक्यूल को इस तरह से शो किया जा सकता है। तो बेटे हमने फ्लोरीन के लिए एक एफ लिखा कैपिटल, बांड बनाया एक एफ और लिख दिया, नीचे हमने क्या लिखना था जी बेटे, वन सिग्मा बांड, वन सिग्मा बांड। ये हमारे पास कौन बन गया बेटे, ये बन गया है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल।